सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर लेट अस सपोज आपके पास तीन, या मान लो सपोज ये एक, मैं दो और ये तीन, तीन लोग हैं और क्वेश्चन है कि ये मुझे खींच रहा है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ये मुझे खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, 10 न्यूटन 2 न्यूटन, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो 10 माइनस 2, आप लोग कहेंगे 8 न्यूटन इस तरफ, राइट? ये रूल है। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं कि सपोज ये मुझे खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन और ऐसे ही वो मुझे खींच रही है विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, तो टोटल फोर्स मेरे ऊपर 10 प्लस 2 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में। आप कर क्या रहे हो, आप इसमें टोटल टोटल वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। वेक्टर में आप बेसिकली ये देख रहे हो कि दो वेक्टर किस डायरेक्शन में है, अगर तो ऑपोजिट है तो दोनों को माइनस कर दो और अगर सेम डायरेक्शन में है दो वेक्टर तो दोनों को ऐड कर दो। तो हम वेक्टर की डेफिनेशन में ये बोलेंगे कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। चार्जेस के अंदर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जब मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं और मैंने कहा कि मेरे ऊपर फोर्स निकालो कितनी है, तो आप सारे वेक्टर्स मेरे ऊपर देख रहे हो कि इसने मुझे इस तरफ खींचा, इसने मुझे इस तरफ खींचा, तो वेक्टर जो ड्रॉ कर रहे हो वो मेरे ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो और मेरे ऊपर नेट फोर्स निकाल रहे हो। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं कि चलो हम तीन लोग हैं, मेरे को नेट फोर्स बताओ कि इसके ऊपर कितनी लग रही है, सच दैट मैंने इसे खींचा विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन और इसने खींचा विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब सारे के सारे वेक्टर मेरे को छोड़ के आपने कहां प्लॉट करने शुरू कर दिए, इसके ऊपर। तो एग्जैक्टली जिस बॉडी की बात हो रही है उसी के ऊपर सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको इसको चार्जेस की फॉर्म में सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास तीन चार्जेस हैं, 3, 2 एंड 4 कूलम, और सपोज मेरा क्वेश्चन है नेट फोर्स निकालो किसके ऊपर निकालनी है, प्लस 2 चार्ज के ऊपर, जो प्लस 2 कूलम का चार्ज है इसके ऊपर मुझे नेट फोर्स निकालनी है। अब देखने वाली बात यह है कि प्लस 2 कूलम को कौन कौन फोर्स लगाएगा। प्लस 2 कूलम को सबसे पहले 3 कूलम प्लस 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऑब्वियसली प्लस प्लस को रिपेल करेगा, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ऑब्वियसली ये प्लस प्लस की डायरेक्शन वेक्टर की फोर्स की इस तरफ बनेगी और इस प्लस और प्लस की डायरेक्शन कहां बनेगी, इस तरफ बनेगी। तो कई लोग सोचते हैं कि वेक्टर ऊपर नीचे क्यों है, तो रियलिटी में डायग्राम ऐसा है, प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 2, तो अगर मुझे इसके ऊपर वेक्टर ड्रॉ करने हैं तो ये इसे रिपेल करेगा, तो एग्जैक्टली वेक्टर ऐसे बनेगा पहला, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो दूसरा वेक्टर यहां बनेगा। हम इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि जगह कम है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही लगती है फिगर, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा 1/4 pi epsilon naught 3 into 2 divided by 1 square, ये वेक्टर समझ में आ रहा है रिपल्शन का। सिमिलरली ये प्लस प्लस 2 कूलम को रिपेल करेगा इस तरफ 1/4 pi epsilon naught 4 into 2 divided by 1 square। अब ये देख लेंगे कि कौन सी बड़ी फोर्स है कौन सी छोटी है, एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमिनेटर 6 न्यूमिनेटर 8, तो ये वाली फोर्स बड़ी और ये वाली छोटी, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस, और नेट फोर्स कहां जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये आपके पास नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी और वैल्यू भी आएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है यहां तक? तो आज का पूरा लेक्चर सिर्फ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है और आज सिर्फ यही देखेंगे कि डायरेक्शंस आप लोग कैसे बनाएंगे और वेक्टर की सही पोजीशनिंग आप कैसे करेंगे, बस इसी के ऊपर पहला लेक्चर है। फोर्स का चैप्टर कुछ भी नहीं है, फोर्स सिर्फ वेक्टर से बना हुआ है। कूलम फोर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बाकी सब वेक्टर का काम है। फॉर एग्जाम्पल नेट फोर्स अब 3 कूलम के ऊपर निकालना है इस फिगर के अंदर। अब 3 कूलम क्वेश्चन वही है, 1 मीटर 1 मीटर और ये तीन चार्जेस हैं। इस बार मुझे नेट फोर्स 3 कूलम पे निकालनी है।
अब तीन कूलम के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो सारे वेक्टर किसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, प्लस थ्री कूलम के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। कैसे? ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इसके ऊपर ये तो डिस्कस ही नहीं किया कि फोर टू को रिपेल कर रहा है, टू फोर को करता है, जरूर कर रहा है, पर मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरे को पूछने वाले ने क्वेश्चन तीन कूलम के ऊपर पूछा, मेरे को उससे ये नहीं पूछा कि आपस में क्या कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को सिर्फ एक चीज पता है कि प्लस थ्री कूलम को टू कूलम रिपेल करेगा तो वेक्टर यहां बनेगा 1/4 pi epsilon naught 2 × 3/1 का स्क्वायर, और ऐसी प्लस फोर प्लस थ्री को रिपेल करेगा 1/4 pi epsilon naught 4 × 3/2 का स्क्वायर। दोनों फोर्सेज आ गई, फोर्सेज आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस, इन्हें ऐड कर लो, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12/4, 1/4 pi epsilon naught 9 × 10^9, 9 × 10^9, इन्हें सॉल्व करो और आपके पास जो नेट आंसर इसके इक्वल आएगा। और डायरेक्शन के लिए मैंने बोल दिया कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट आंसर भी कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, या नेगेटिव एक्स एक्सिस बोल लो या लेफ्ट बोल लो, एक ही बात है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाना है? इसको ध्यान से ऑब्जर्व करते जाओ, तीन चार एग्जाम्पल्स को, उसके बाद मैं दो क्वेश्चन दूंगा, आप खुद लगा के देखना उनके ऊपर वेक्टर्स के रूल। तो फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने तीन चार्जेस लिए, इन तीन चार्जेस के अंदर एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है। अब नेगेटिव चार्ज को कैसे हैंडल करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि ये लो, ये -2 कूलम चार्ज है और ये +3 कूलम चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर सपोज। तो मैंने ये पूछा कि ये बता इनके फोर्स क्या होगी इनके बीच में। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 / r² होता है, तो 9 × 10^9 × फर्स्ट चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, डिवाइडेड 1 का स्क्वायर, तो उसने कहा कि -6 × 9 × 10^9 N मेरा आंसर आता है। मैंने ये पूछा कि माइनस साइन क्यों पुट किया, तो बोल रहा है क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव था और एक चार्ज नेगेटिव था। तो ये पूछा कि एंड में नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, एंड में नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इन में से एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं है। ठीक है, समझ में आता है। अगर फोर्स आज के बाद रूल बन गया कि फोर्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब कि रिपल्सिव फोर्स है, और अगर फोर्स की कैलकुलेशन में नेगेटिव है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक, बात समझ में आ गई मेरे। अब इस ये एक मेथड है बात करने का। ठीक, आप ये रूल गलत नहीं है, आप अपने चार्जेस में नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस को पुट कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। कुछ ऑथर्स ऐसे करते हैं, कुछ बुक्स के, कुछ ऐसे नहीं करते, कुछ ऐसे करते हैं। सेम क्वेश्चन है, वो ये बोलेंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बोलेंगे कि क्योंकि कूलम ने हमें मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे इररिस्पेक्टिव की चार्ज क्या है, 2, 3/1 का स्क्वायर। तो वो लोग बोलेंगे कि मेरा आंसर इसके इक्वल आ गया, लेकिन वो गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि उन्होंने माइनस साइन या प्लस साइन का आंसर सेम दिया। फिर वो ब्रैकेट में एक्सप्लिसिटली अलग से लिखेंगे कि अगर इन्होंने मैग्नीट्यूड पुट किया और उनको मालूम था कि एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो एंड में लिखना पड़ेगा दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड में लिखा जाएगा द फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो ये भी सही है, जो लोग अट्रैक्टिव नहीं लिखना चाहते वो तो साइन क्या लगा दें, माइनस। जो लोग मैग्नीट्यूड में काम करना चाहते हैं वो एंड में क्या लिख दें, अट्रैक्टिव, कि हम तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं और अट्रैक्टिव या रिपल्सिव एंड में लिखेंगे। ये भी सही है, आपकी मर्जी है, आपको क्या पसंद है। तीसरा मेथड, अगर ये भी पसंद नहीं, कई बुक्स ऐसे भी नहीं करती, कई ऐसे करती हैं कि सपोज करो ये आपके पास दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस में मालूम है कि 3 कूलम ने -2 कूलम को अपनी तरफ क्या किया होगा, अट्रैक्ट किया होगा। तो वो क्या कहती हैं कि हम ना अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी नहीं लिखेंगी, हम वेक्टर ड्रॉ करेंगी ऐसे। ये लो वेक्टर, वेक्टर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि प्लस और प्लस चार्ज रिपेल करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों प्लस होते तो मेरा वेक्टर यहां की बजाय कहां बनता,
ऑपोजिट, इट शोज कि दो चार्जेस डायग्राम की हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और वो फोर्स की वैल्यू क्या बोलेंगे, फोर्स की वैल्यू के अंदर वो सिंपल मैग्नीट्यूड ही लेना पसंद करेंगे। वो कहते हैं हम माइनस साइन को यहां पुट नहीं करेंगे, ना हम अट्रैक्टिव रिपल्सिव लिख रहे हैं, लिख भी दोगे नुकसान नहीं है, पर वो वेक्टर से शो कर देंगे कि फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है। तो आपकी मर्जी है, आपको क्या टेक्निक पसंद है ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि हर कोई डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन रहती हैं फिजिक्स में, तो कोई भी ऑथर क्या करेगा वो उसकी मर्जी रहेगी और आपकी भी मर्जी रहेगी। मेरी मर्जी क्या है, मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं अपने चार्जेस में नेगेटिव साइन पुट नहीं करूंगा किसी भी फॉर्मूले में, मैं मैग्नीट्यूड के साथ काम करता हूं और मैं अपना काम जो है वो वेक्टर की फॉर्म में ही करना पसंद करूंगा। तो आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर है, आपकी मर्जी है, आप कोई और मेथड चूज करना चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आपको अपना मेथड दिखाता हूं कि मैं कैसे करूंगा, उसके बाद बात करते हैं। जैसे मेरी ये प्रॉब्लम है कि -3 कूलम का चार्ज, +4 और +6 तीन चार्जेस हैं। सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, सॉरी मुझे ड्रॉ करना है -3 कूलम के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगी। -3 कूलम का क्वेश्चन है तो सारे वेक्टर किसके ऊपर ड्रॉ करने हैं, -3 कूलम के ऊपर ही ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करने हैं अब देखना पड़ेगा अट्रैक्शन और रिपल्शन का, कैसे। फॉर एग्जाम्पल +4 माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो मैंने अट्रैक्शन लिखने की बजाय वेक्टर कहां ड्रॉ कर दिया, इस तरफ, ये शो करते हुए कि +4 -3 को अट्रैक्ट करेगा। मेरा वेक्टर ही खुद बोल रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अगर रिपल्सिव होता तो मैं वेक्टर राइट लेफ्ट ड्रॉ कर देता। तो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0। मैंने मैग्नीट्यूड लिया, माइनस साइन नहीं पुट करूंगा क्योंकि नेगेटिव साइन, ये वेक्टर इटसेल्फ ये शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट है +6 -3 को अट्रैक्ट करेगा, तो +6 का भी वेक्टर यहां ड्रॉ करना है, 1/4πε0 6 × मैग्नीट्यूड ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1+1 2 का स्क्वायर। मैंने बिल्कुल भी माइनस साइन नहीं पुट किया, मैंने अपनी अट्रैक्शन की जो वेक्टर्स हैं दो वेक्टर ड्रॉ कर दिए जो दोनों शो कर रहे हैं कि अट्रैक्शन है। तो मेरे हिसाब से जो नेट आंसर आएगा वो इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा। जब मैंने इन्हें ऐड किया तो ये आंसर आ गया 9 × 10^9, 9 × 10^9 इन्हें सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। और नेट फोर्स दोनों को ऐड करने के बाद कहां मिलेगी, टुवर्ड्स राइट। तो टुवर्ड्स राइट लिख दो, टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख लो, कोई फर्क नहीं है। बट ये मेथड मैं फॉलो करूंगा, मैं जब फोर्स की कैलकुलेशन करूंगा तो सारा कुछ वेक्टर से ही ड्रॉ कर दूंगा और वेक्टर की हेल्प से, +1 के वेक्टर की हेल्प से सारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं यहां माइनस नहीं पुट करूंगा। कई लोग यहां माइनस माइनस पुट करेंगे क्योंकि दोनों में माइनस माइनस आएगा, उनका फाइनल आंसर माइनस आएगा जो ये शो करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है, पर वेक्टर उनको फिर भी ड्रॉ करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि नेट आंसर राइट आया या लेफ्ट आया। ठीक, यह आपकी मर्जी है आप क्या मेथड चूज करते हो, मैं ये मेथड चूज करता हूं। ठीक, तो मेरे से कोई बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं माइनस पुट करना है कि नहीं करना ही नहीं, एक हम तो रूल ही बना दिया कि हम तो वैल्यूज ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस साइन का काम हम वेक्टर से करके देखेंगे। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आया, मैं और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चन है, रादर आप करके देखो, 3 −4 और −8 फाइंड नेट फोर्स ऑन −4, कर दो शीट में कर दो, फाइंड नेट फोर्स ऑन −4।
शीट में ही, पहली शीट, पहली वाली शीट। तो देखो माइनस फोर के ऊपर आपने ऐसे ड्रॉ किया होगा, प्लस थ्री ने ऑब्वियसली कुछ गिवन नहीं तो प्लस है, प्लस थ्री ने माइनस को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट। तो एक वेक्टर यहां ड्रॉ किया क्योंकि क्वेश्चन माइनस फोर कूलम के ऊपर है तो सारे वेक्टर माइनस फोर कूलम पे बनेंगे, तो प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट किया, राइट। इसकी वैल्यू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड लेंगे डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, सिंपल। वेक्टर ने शो कर दिया अट्रैक्शन तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली माइनस एट माइनस फोर को क्या करेगा, रिपेल। तो रिपल्शन में माइनस एट माइनस फोर को इस तरफ रिपेल करेगा तो ये वाला वेक्टर भी यही बनेगा, मैग्नीट्यूड में 1/4πε0, 4 और 8 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो एक इसकी फोर्स आ गई मैग्नीट्यूड में, एक इसकी फोर्स आ गई मैग्नीट्यूड में, इसने इसे अट्रैक्ट किया, इसने माइनस ने माइनस को रिपेल किया। तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को उठा के क्या कर देंगे, एड कर देंगे टूवर्ड लेफ्ट, मेरा आंसर आ जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पहला रूल क्लियर है, ठीक। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो जस्ट अभी शुरू करने हैं क्वेश्चन, तो मतलब ये बेसिक रूल आपको माइंड में रखने हैं कि जिसके ऊपर नेट फोर्स पूछी सारे के सारे वेक्टर उसी के ऊपर ही ड्रॉ करने हैं। कोई ये ना करे पेपर में, मैं इसके ऊपर इसने इसको रिपेल किया, अननेसेसरी इनकी फोर्सेस या अननेसेसरी इनकी फोर्सेस निकालनी शुरू कर दे, नहीं चाहिए। इसने इसके ऊपर फोर्स जरूर लगाई पर मुझसे पूछा नहीं कि थ्री कूलम को कितनी फोर्स लगी, मेरे से पूछा माइनस फोर कूलम का आंसर बताओ, तो सारे वेक्टर माइनस फोर के ऊपर ही ड्रॉ किए जाएंगे। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर एक 1 कूलम के दो चार्ज पड़े हुए हैं और एक 2 कूलम का चार्ज है, और ये कितना है 4, ये 3, ये सब डायमेंशंस के वन है। नेट फोर्स मुझे बतानी है किसके ऊपर, 2 कूलम को कितनी फोर्स लगी टोटल। तो सबसे पहले 2 कूलम को फोर्स कौन लगाएगा, उसके आसपास पड़े हुए चार्जेस लगाएंगे। आसपास पड़े हुए कौन कौन से चार्जेस हैं, एक 1 और एक 1। तो 1 कूलम 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। तो वेक्टर यहां बनेगा स्ट्रेट, तो 1 कूलम प्लस है, 2 कूलम प्लस है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा। सिंपली ये 1 कूलम 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल। तो दो वेक्टर बनेंगे रिपल्शन के, और फिर मैं कुछ वेक्टर का रूल लगा के इनको पैरेललोग्राम लॉ या किसी भी तरीके से नेट आंसर निकाल लूंगा। तो इसको करने का तरीका ये रहेगा कि सपोज आपके पास 1 और 1 कूलम और ये 2 कूलम, 1 कूलम 2 कूलम को रिपेल करेगा, तो क्या ये वेक्टर सबको दिखाई दे रहा है, सही है। और इसकी वैल्यू साथ की साथ लिख लेते हैं, 1/4πε0 1 × 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, ठीक। पहला रूल क्लियर हो गया, ये फोर्स आ गई। सिमिलरली ये 1 कूलम भी 2 कूलम को क्या करेगा, रिपेल, सेम फोर्स 1/4πε0 1 × 2 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। अब दो फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, इनका नेट आंसर निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम लगाएं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें मुझे एंगल चाहिए होगा टोटल, या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स ड्रॉ करके भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं कंपोनेंट्स यूज करके दिखाता हूं। मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा इस ट्राइंगल में, तो बायसिमेट्री नीचे और ऊपर का ट्राइंगल सेम है तो ये एंगल भी थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से थीटा, अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी थीटा। एफ के दो कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर का रूल ये बोलता है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा होगा। तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, ऐसी एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो दे विल कैंसल ईच अदर, इसका कोई रोल नहीं। नेट फोर्स क्या आएगी, ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी 2f cos थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? f की वैल्यू मेरे पास है 1/4πε0 1 × 2/5 का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू भी इस ट्राइंगल से निकल सकती है, कितनी, 4 / 5, ये भी।
तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई, नेट फोर्स की ये वैल्यू आ गई। डायरेक्शन लिखनी चाहिए, मैं लिखना भूल गया, लिखना चाहिए अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि वेक्टर है ना फोर्स, तो एंड में किसी भी फॉर्म में डायरेक्शन लिखो, तो लिख सकते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू इतनी है लेकिन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या कोई भी नाम लगा दो कुछ भी, तो वहां पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, तो वेक्टर का पूरा इसमें रोल है और वेक्टर की हेल्प से ही आपके ये न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। वंदना, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? वंदना क्लियर है? 4 पॉइंट ये वाला, वो तो ये ट्रायंगल लिया ना, अपने मन से कोई भी एंगल ले लो, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, दिस बाय दिस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो पुट किया, वैल्यू पुट की, कॉस थीटा तो मैंने खुद एज्यूम किया उसकी वैल्यू मुझको ही देनी है जो करनी है, तो मैंने अपने मन से इसमें थीटा लेके उसकी वैल्यू दे दी, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक, तो एक काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर आगे शीट को कंटिन्यू करेंगे, राइट। उससे पहले एक और भी काम करेंगे, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं शीट से भी पहले, और क्वेश्चन से उस उन दो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बताता हूं, फिर आप उसको करके दिखाना। देखो, सपोज आपके पास दो स्फेयर्स हैं आइडेंटिकल, ए एंड बी, बहुत छोटे हैं, और ए के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे के ऊपर चार्ज है Q2। मैंने बोला आइडेंटिकल है, ये मत भूलना, बड़े छोटे साइज के नहीं है। अब ए एंड बी को मैंने कॉन्टेक्ट में ले आया, उनको मैं लेट अस सपोज पास ले आया, जोड़ दिया और फिर उन्हें सेपरेट कर दिया। अब देखो ये चार्ज्ड है, अब चार्ज के अंदर क्या होता है, जैसे मन में मान लो एक मिनट के लिए कि ये +10 कूलम का चार्ज है और ये -10 कूलम का चार्ज है, मान लो एक मिनट के लिए। अब इमेजिन करो होगा क्या, जब +10 और -10 होगा और आप इन्हें कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, ए के पास एक्सेस चार्ज है, ए के पास डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज है, तो फालतू चार्ज है एक्सेस वाला डेफिशिएंसी को पूरी करेगा और ये खुद इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों न्यूट्रल। कई लोग बोलते हैं चार्ज आपस में कैंसिल हो गया, वो कैंसिल नहीं हुआ, वो डेफिशिएंसी को पूरा कर दिया गया। ठीक, सारी गेम इसी के ऊपर डिपेंड करती है कितनी डेफिशिएंसी और कितना एक्सेस है, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि चार्ज शेयर तो होगा। तो जब आप इन्हें कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे, और ये कंडक्टर है, प्लीज कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, तो जब आप इन्हें कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे तो ये एक बॉडी की तरह एक्ट करेंगे। कहने का मतलब कि जब ए और बी के ऊपर जो भी चार्ज है और आप इन्हें क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं और इनको सेपरेट करते हैं, तो आपको बताना है कि इनके ऊपर नया चार्ज क्या आएगा। जब आपने इन्हें जोड़ के रखा, अब ये दो बॉडीज नहीं है, अब बेसिकली ये एक ही बॉडी बन चुकी है जिसके ऊपर नेट और टोटल चार्ज कितने हैं, Q1 + Q2। अब जब आपने इन्हें सेप और इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसमें, जब आप इन्हें सेपरेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फाइनल चार्ज, अब टोटल चार्ज इनके ऊपर Q1 + Q2 था, तो फाइनल चार्ज होगा वो अब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की साइज में कोई फर्क नहीं, तो बराबर बराबर चार्ज बांट के ये सेपरेट हो जाएंगे, तो नया चार्ज क्या आएगा, Q1 + Q2 / 2। मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक बड़ा छोटा हो तो क्या होगा, तो तब भी क्या आंसर सेम रहेगा, नहीं सेम नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ा स्फीयर है और एक छोटा सा स्फीयर है, अब अगर ये शेयर करने बैठे तो जब मिल जाएंगे फिर तो ये कहने में अच्छा लगता है Q1 + Q2 टोटल चार्ज है, पर जब सेपरेट होंगे तो बड़ा स्फीयर ज्यादा चार्ज मांग लेगा। तो एक चैप्टर आएगा जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, हर एक स्फीयर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज को शेयर करेगा। तो ये क्वेश्चन आज की डेट में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, और अगर उसने आइडेंटिकल स्फीयर नहीं दिए, डिफरेंट साइज का स्फीयर दिया, फिर पक्की बात है आपको एक चैप्टर आना चाहिए जिसका नाम है कैपेसिटेंस। ठीक हो गया, तो अभी तो आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल के केस में तो बिल्कुल क्लियर हो गया क्या करना है, ये क्वेश्चन में यूज होगा, उसी तरीके से होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने फिर एक और एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल आपकी शीट में जो होमवर्क मिलेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ए बी और सी तीन स्फीयर्स हैं, तीन बॉडीज हैं, आइडेंटिकल हैं, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज Q1 है, इसके ऊपर इनिशियल चार्ज Q2 है, और वो अनचार्ज्ड है। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूंगा किसको किसके साथ जोड़ना है, या क्वेश्चन पूछने वाला देगा, आप खुद नहीं इस तरीके से करेंगे। तो मैंने आपको कहा पहले ए और सी को जोड़ दो,
तो आप ए और सी को दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन Q1 है, सी का कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू में 0 है, पर क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं तो दे विल एक्ट लाइक अ सिंगल बॉडी, तो टोटल चार्ज दोनों के ऊपर क्या माना जाएगा, Q1 + 0। और जब आप सेपरेट करेंगे चार्ज आधा आधा बांट लेंगे, ये Q1 + 0/2, Q1 + 0/2। तो ए और सी जब कांटेक्ट में आके सेपरेट होंगे तो ए के ऊपर फाइनल चार्ज Q1/2 और सी के ऊपर फाइनल चार्ज Q1/2। ये सिचुएशन क्लियर है? अब किसी ने क्या कहा, सी के ऊपर चार्ज Q1/2 है और बी के ऊपर Q2 था, अब इन्हें ज्वाइन कर दो और सेपरेट कर दो। तो बी का कंट्रीब्यूशन क्या था, Q2, सी का कंट्रीब्यूशन क्या था, Q1/2, इन्हें आपने ज्वाइन कर दिया। जब आपने इन्हें ज्वाइन किया तो टोटल चार्ज क्या माना जाएगा, Q2 + Q1/2, और जब ये सेपरेट होंगे तो आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा, Q2 + Q1/2/2, Q2 + Q1/2/2। तो ये फाइनल सिचुएशन आप देखेंगे। तो कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि दो को बॉडीज को जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस, उनको जोड़ दिया, कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर दिया, तो पहले आपने क्या करना है, टोटल चार्ज और फिर जितने भी इनका इनिशियल चार्ज था फिर डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2, और फिर सेपरेट कर देना है। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग सिचुएशंस होंगी जिसके बेस पे ये क्वेश्चन चलेंगे, वो क्वेश्चन में देखेंगे क्या आएगा, पर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा आपको, कि पहले टोटल चार्ज कर लो दोनों का, डिवाइड बाय 2 कर दो उन्हें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें बोलो, वो क्वेश्चन में मैं पूछूंगा ना, वो आएगी शीट में लगेगा, पॉइंट चार्ज पॉइंट फेयर्स हैं लिखा होगा उसमें, साइज निग्लिजिबल है, साइज निग्लिजिबल है, इतना मतलब वो कूलम लॉ लग नहीं सकता स्फेयर्स पे, वो कह रहा है फिर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें लिखा होगा वो पॉइंट फेयर्स हैं, उसका साइज निग्लिजिबल लेके करेंगे पॉइंट चार्जेस। ठीक, ओके, आपने ये क्वेश्चन करना है। अभी इस क्वेश्चन के अंदर चार चार्जेस हैं, +Q + Q माइनस एंड माइनस, स्क्वायर है, साइड ए है, इसके सेंटर पे बड़ा क्यू चार्ज है, आपको इसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है जो इन चारों ने लगाई। मेथड क्या लगाना है, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, दो वेक्टर, माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट इस तरफ, तीन वेक्टर, चौथा वेक्टर माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो दो वेक्टर इस तरफ, दो वेक्टर इस तरफ, क्योंकि एक यहां से रिपल्शन शो कर रहा है और यहां से अट्रैक्शन, दो इस तरफ दो इस तरफ, दो सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं ऐड हो जाएंगे, दो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन से नेट आंसर आएगा। आप पहले वेक्टर ड्रॉ करो, अपने आप कहानी समझ में आएगी, इसको प्लीज ट्राई करो, इसको कॉपी के अंदर ट्राई करो और देखो वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करोगे। एक को